आज मैं आरती शेयर करूँ आप सभी के साथ वेट लॉस टिक्की फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। आप तीनों में इसको ले सकते हैं। लो कैलोरी है, 7 से 8 टिक्कियाँ बनेंगी। मैंने यहाँ पर ओल्ड ओट्स और जीरे को ग्राइंड कर लिया है और एक कटोरी हम इसको रख लेंगे। फिर मैंने लिया है यहाँ पर स्प्राउटेड मूंग। आप सिर्फ सिंपल सोक्ड मूंग भी ले सकते हैं और चना भी ले सकते हैं। इसमें आप ऐड कीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, गार्लिक, हरी मिर्च और प्याज, ये तीनों को ऐड करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर। ये एक छोटा गाजर मैंने चॉप किया है और इसको हम रफली ग्राइंड करेंगे। एकदम बारीक, हमको पेस्ट जैसा नहीं बनाना है, दरदरा दरदरा हमें इसको पीसना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज, जो कि लो इन कैलोरी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस टिक्की की रेसिपी है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल है। इसमें धनिया और मैंने तिल को ऐड किया है और नमक ऐड करके जो ओट्स एंड जीरे को भून कर रखा था वो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो वेजिटेबल लोडेड है, लो कैलोरी है और आप इसमें चाहें तो प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए पनीर भी ऐड कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने देंगे और उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे, जितनी बड़ी आपको चाहिए हो। मेरी इसमें 7-8 टिक्कियाँ बनी थी और बढ़िया साइज में बनी थी, तो इस तरीके से बना के रख लेंगे। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा हेल्दी है। बिलीव मी, आप इसको ट्राई करेंगे तो ये आपको काफ़ी पसंद आएगी। और इस रेसिपी में कितनी कैलोरीज या न्यूट्रिशनल इन्फो के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। फिर यहाँ पर मैंने तिल का तेल लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच। और इसमें थोड़ा सा मैंने तिल ऐड करके इन टिक्कियों को मैं अच्छे से इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी। लो टू मीडियम हीट आप रखिएगा और इसको ढक दीजिएगा ताकि अच्छे से दोनों साइड से ढक ढक कर आपको इसको पकाना है। बस इस तरीके से मैं पलट दूंगी और हमारी बहुत ही बढ़िया हेल्दी टिक्की बनकर तैयार है, जिसे आप अपने वेट लॉस में ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोटी पर रोल की तरह भी लगा कर खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं और लंच और डिनर के लिए भी बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। तो आई रियली होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट हो, कोई भी सवाल हो इस रेसिपी से रिलेटेड, या आप कैसी रेसिपी चाहते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपीज ट्राई करते हैं तो मुझे पिक्चर्स भेज सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर @learnlively, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं @learnlively@gmail.com पर। तो मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी।